नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बैंगन की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तो ये हमने तीन आलूओं को छील लिया है, 250 ग्राम हमने बैंगन लिया है, इसको भी धो कर के रख लिया है। दो प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तीन टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और ये गरम मसाला। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम आलूओं को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम इसका पीछे का डंठल जो है इस तरीके से निकाल देंगे, ऐसे इस तरीके से लंबे शेप में कट कर लेंगे, जिस तरीके से हमने आलू काटा है उसी तरीके से। तो एक बैंगन के हम 4 पीस कर रहे हैं, ये इस तरीके से। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें हमने तेल डाल दिया है 3 चम्मच। गैस को ऑन कर दिया तेज फ्लेम में, हमारा गरम हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे आलू, आलू को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारी भून चुकी है, हमें इतना ही इसको भूनना है। वैसे लाल हो गई है, इसे अब हम निकाल देंगे एक प्लेट में। बैंगन को भी हम भून लेंगे तेज फ्लेम में ही, धीमी आंच पे नहीं भूनेंगे, इसे भी तेज फ्लेम में ही भून लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमारे बैंगन भी भून चुके हैं, पक गए हैं और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जिस प्लेट में हमने आलू निकाले थे उसी प्लेट में बैंगन को भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, एक कटोरी ले लेंगे और इसमें हम मसालों को घोल लेंगे। तो ये लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, जीरा को भून करके उसको पाउडर बना लिया था, धनिया पाउडर, ये देखिए हमने पानी डाल दिया और इसे इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में, जब तक ये हमारा मसाला फूलेगा जब तक हम प्याज व्याज फ्राई कर लेते हैं। इस पर हमने फिर से कढ़ाई रख दी है, वही वाला तेल बचा हुआ था तो वही वाला तेल है, इसमें हमने तेल नहीं डाला है। फिर से हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से चला लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च इस तरीके से हो गई है, थोड़ा सा लाल हो गई है। इसमें डाल देंगे जीरा, इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे। अब हम डाल देंगे प्याज। तो हमने 2 प्याज को इस तरीके से कट किया है लंबे शेप में और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाले जो हमने घोल करके रखा था और इन्हें इस तरीके से चला चला करके थोड़ा सा पका लेंगे। आप चाहें तो प्याज को भी पीस करके उसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए, किनारे किनारे से तेल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसाला था वो भी अच्छी तरीके से पक गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को हमने पीस लिया इस तरीके से, और आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, मत पीसिए तो उसमें भी अच्छी सब्जी आती है। इसे भी इस तरीके से थोड़ा सा चला लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक हमने 1 चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं नमक। तो ये देखिए, सारे मसाले हमारे पक गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। तो हमने 1 गिलास पानी डाला है इसमें, और इसे इस तरीके से थोड़ा सा मिला देंगे। इसमें डाल देंगे आलू जो हमने तल करके रखी है। आलू को पहले डालेंगे क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आलू हमने डाल दिए है, आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसे हम ढक देंगे और थोड़ा सा इसे हम उबलने देंगे, इसके बाद हम बैंगन डालेंगे। इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, इसे खोल करके हम चेक कर लेंगे, इसे इस तरीके से चला लेंगे, ऐसे दबा कर देख लेंगे। तो ये देखिए, आलू भी हमारी पक गई है। अब इसमें डाल देंगे बैंगन, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसे बैंगन लास्ट में डालते हैं। और इसे इस तरीके से चला लेंगे और इसे फिर से ढक करके रख देंगे ताकि दोनों चीज़ अच्छे से हमारी पक जाए। इसे खोल करके एक बार चला लेंगे, डाल देंगे गरम मसाला, इसे अच्छे से मिला लें इस तरीके से, ढक करके रख दें और 2-3 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। तो ये देखिए, हमारी सब्जी को पकते हुए हो गए हैं 5-6 मिनट। अब हम इसे खोल करके चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, इसे खोल करके हम चेक कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। तो ये हमारी मसालेदार बैंगन और आलू की सब्जी पककर के तैयार हो गई है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी बैंगन की सब्जी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।